मैं सच बताऊं जो कुरान के पास से उसका लगाव हो जाता है वो ऐसे कुरान की तरफ दौड़ता आता है जैसे खाने के लिए भूख लगती है तो खाने की तरफ दौड़ता है, बल्कि बसा होता खाने के लिए इतनी जल्दी नहीं आता जैसे कुरान का शौक रखने वाला तिलावत के लिए दौड़ा था। अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी कहती है पता करे कि हम कुरान के लिए बेताब होकर दौड़ते चले, यानी कि जोर जबरदस्ती कुरान की तिलावत करें, किसी के दबाव में आकर किसी की जबरदस्ती में आकर। कुछ लोग हैं हो सकता है जोर जबरदस्ती में इस तरह से रू रियायत में किसी की या किसी की मोहब्बत हो, नहीं कुरान की तिलावत करो तो खालिस अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह करीम सबको ये जज्बा का मौका कुछ नसीहत के तौर पर तिलावत के बाद बयान करता हूँ। अल्लाह ताला कुरान के बरमाता है बनी इसराइल के बारे में एक लफ्ज है तो उनका कसर कुलु रुकु के उतार देगा लेकर पहली अचल हिजारा की और अशर को कस हुआ। वाक्य मैंने कल तस्वीर में भी बताया था गाय दवा करने वाला सुना था आपको क्या मालूम है सुने कि नहीं सुने कुछ लोग सुने हो कुछ लोग नहीं सुने नहीं सुने तो बाद में बातें सुन लें। बनी इसराइल जो है जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ये नापरवाही ज्यादा थे, इनको करने के लिए कुछ कहा जाता था करते कुछ और थे। अल्लाह ताला ने सिर्फ एक मतलब हुक्म दिया कि एक गाय दवा करो तो पूछने लगे कैसी गाय होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए तो हुक्म दिया गया ना छोटी होनी चाहिए ना बहुत बड़ी होनी चाहिए बीच होनी चाहिए। फिर बीच में दोबारा आकर पूछने लगे ए मूसा आप अपने रब से पूछे कि उसका रंग कैसा होना चाहिए काली होना चाहिए उजली होनी चाहिए रब ताला की तरफ से हुक्म है क्या न काली चलेगी न सफेद चलेगी बल्कि दरमियानी येलो कलर पीले कलर तो आंखों को देखते हो आ जाए। फिर उसके बाद तीसरी बार फिर पूछने लगे ए मूसा आप अपने रब से पूछे तो गाय कैसी कैसी कोई होनी चाहिए यानी पाली भी होनी चाहिए कि छूटी हुई होनी चाहिए। जितने सवाल करते जाओगे उतने अपने ऊपर पाबंदियां रखी है। बहरहाल ये सवाल को सवाल करते जाते थे जो करना नहीं होता था करने का नहीं रहता है तो कुछ लोग सवाल करते हमसे आकर के कोई सवाल करता है ना यानी सवाल जिसकी जरूरत नहीं ऐसे सवाल क्यों करते इसकी कोई जरूरत ना हो ऐसे सवाल कोई हमसे आकर के पूछता है मूसा अलैहि सलाम रास्ते में क्या करते हैं तो उसे क्या कर सकते। ऐसे ही एक हमारे बड़े इमाम हिरत के इमाम गुजरे थे तालिबन इमाम शाबी उनके पास एक आदमी आया और सवाल किया कि हजरत शैतान की बीवी का नाम क्या था तो हजरत ने जवाब दिया मैं उसकी शादी में गया नहीं था नहीं उसका कार आया था शिकार के लेकर के पता चले कि शैतान की बीवी का नाम क्या ला यानी सवाल न करें सवाल करता है ये कि वजू में कितना पानी इस्तेमाल करें क्या फर्ज है क्या वाजिब है क्या सुन्नत है क्या मकरूह है ये पूछा जाना चाहिए। खाना कौन सा हलाल है कौन सा हराम है ये पूछो और पुरानी चीजें तारीख की ला करके पूछते हैं वास्तव में भी घोबड़ी बोलती है बात वो कौन सी जगह है जहां पर सूरज की रोशनी पड़ती है तुम्हारे ऊपर पड़ती है तो उसकी खोज में लगे हुए वो कौन सी औरत है जो ऐसी होती है वैसी होती है भला होती है मामले हल करने में लगे हैं ला यानी सवाल करना ही वही इसराइल की आदत सवाल वो करो जिससे तुम्हारी जिंदगी में ईमान में इजाफा हो शरीयत तुम्हें समझ आ सके इस्लाम समझ आ सके ऐसे सवाल होने जा जो बात कहने जा रहा हूँ वो ये है कि बनी इसराइल पूछ पूछ करके अखीर में गायब को जमा कर दिया लेकिन अल्लाह फरमाता है वो हकीकत करने वाले नहीं थे मजबूर होकर कर गए। तो कुरान में अल्लाह फरमाता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल पत्थर की तरह होते हैं
पर असर खोलो बुको की उपाय की जाए कर बलियत कर की जाओ। तुम्हारे दिल उसके बाद सख्त हो गए जैसे कि पत्थर और अशक्त तो कर तो आप नहीं अल्लाह फरमाता है पत्थर से भी ज्यादा सख्त। कुछ लोगों का दिल पत्थर से ज्यादा सख्त होता है। इसका मतलब ये नहीं कि काट करके आप देखे दबा करके कि सख्त है कि नरम है। पत्थर से ज्यादा सख्त का मतलब क्या है? पत्थर जैसे जामिल होता है उसके अंदर कोई चीज जाती नहीं है अंदर से कोई चीज बाहर आती नहीं। तो कुछ लोगों के दिल ऐसे हो जाते हैं कि न नसीहत उनके अंदर दाखिल होती है न ही उनके कल्ब के अंदर कोई रहम की कैफियत आती जो उन्हें रोला दे। नहीं होता कुछ ये दिल पत्थर से ज्यादा सख्त होते हैं। और अल्लाह ताला पत्थरों की सिफत में तीन बातें बयान की है कुरान आज हमने तिलावत तीन बातें। कुछ पत्थर ऐसे हैं अल्लाह फरमाता है बहुत जरूरी मुल्क अनुभाव जब वो फट जाते हैं तो उसके नदियों में नदी जितनी भी है जितने भी नदियां इनका सोर्स क्या होता है पता कहां से शुरू होती है? हर नदी किसी पहाड़ से या पत्थर से शुरू होती है पता है आपको? उसकी सोर्स कहां से निकलती है नदी आप मालूम करेंगे तो किसी पत्थर से नदियां निकलती है। नंबर वन हिंदुस्तान में ढूंढ करके निकालना करता कि कितनी नदियां हैं कितनी नदियां हैं। नाम तो सुनो कि आप क्या भी हैं हर स्टेट में कुछ ना कुछ नदियां बहे गंगा जमुना और इसके अलावा यहाँ पर तो हमारे इलाके में कावेरी नदी है तुंगभद्रा है ये नदी है। समंदर की बात नहीं कर रहा हूं नदी नदी अलग चीज है समंदर अलग है। नदी जो है ये शुरू कहां से होती है? पत्थर से शुरू होती है। मैं क्यों बता रहा हूं तबज्जो से क्यों पत्थरों से क्यों शुरू होती है तफसील में फरमाया गया कि पत्थर जब अल्लाह के खौफ से रोने लगता है तो नदी बह जाती है। ये जो नदियां है ना ये पत्थरों के आंसू है तो अल्लाह के खौफ से वो पत्थर रो रहे हैं। कुछ पत्थर ऐसे हैं कि जब वो फट जाते हैं तो आबशार निकल फाल्स फाल्स भी मालूम है ना लोग तो हम पीने के लिए जाते हैं खेलने के लिए जाते हैं ये फाल्स के नहाएंगे जितने भी फाल्स हैं आबशार हैं पत्थरों से निकलते हैं पत्थरों के पहाड़ होंगे बीच में से आबशार फाल्स निकल रहे डर हो गया इतने बड़े बड़े झरने तो बहुत तेज आवाज से गिर रहे होते ये क्यों पत्थरों से निकलते हैं फरमाया गया वो पत्थर जावे इलाही में रो रहे होंगे तो फाल्स इंद्र का नवा यह ऋतु। और कुछ पत्थर ऐसे हैं कि जब उनको अल्लाह का खौफ ज्यादा होता है तो खसक जाते हैं चट्टान गिर जाते हैं लैंड स्लाइडिंग सुने होंगे तो जमीन खसक गई खासतौर पर उत्तराखंड वगैरह में तो बहुत होता है कि पहाड़ के पहाड़ आते जाते टूट के गिरते रहते हैं या कोई चट्टान गिर जाती है पत्थर गिर जाते उनको कोई धक्का नहीं होता है गिरने में अरे हवाएं क्या पत्थरों को हिला नहीं थी क्या उसे हवा से गिरते नहीं कुरान कहता मिन खशियतिल्लाह अल्लाह के खौफ से वो गिर जाते हैं तीन चीजें कभी अल्लाह के खौफ से रोते हैं तो नदियां बह जाते हैं कभी अल्लाह के खौफ से रोते हैं तो आबशार फाल्स निकलते हैं और कभी अल्लाह का खौफ आता है तो चट्टान खसक करके गिर जाता है। अब तुम अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ क्या तुम्हारा दिल उन पत्थरों की तरह है या उससे भी ज्यादा सख्त है? हमारा हाल तो यही है कई मरतबा नमाजें हुई तिलावत हुई हमारे दिलों से हमारे आंखों से आंसुओं के कतरे गिरे पत्थर तो रो पड़े नदियां निकल पड़ी आबशार निकल पड़े लेकिन इंसान एक उसकी आंखों से जब बूंद हुई क्यों पत्थर से ज्यादा सख्त हो गया है। अब अशद्द अस्वा
जब पत्थर से ज्यादा सख्त हो जाता है ना, तो उसे इबादतें अच्छी नहीं होती, उसे मस्जिद में बैठने का मन नहीं करता, आगरा यही भावना है, उसे बिस्तर प्यारा लगता है, हमारी बातें कर नहीं रखती, नसीहत अच्छी नहीं लगती। ये दिल की सख्ती की अलामत है। जब दिल सख्त होता है तो इंसान के सामने गुनाह हल्के हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। जिना है कोई बड़ी बात थोड़ी है, शराब एक बार पी है कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये दिल की सख्ती जब होती है तो हर गुनाह उसको आसान लगता है और हर नेकी बहुत भारी लगती है, बहुत भारी। एक रुपया शराब करना उसे आसान नहीं लगता, बहुत भारी। लेकिन वही सौ सौ रुपये मुजरा करने वालों पर, नचनियों पर लुटा देने से उपहार महसूस करता है, मेरा लेवल अलग है, मैं इतने पैसे उनका मुठा है नौ रुपया। दस मिनट कुरान की तिलावत में जिसका दिल नहीं लगता वो एक घंटे क्रिकेट के सामने बैठ सकता है, क्यों दिल लग जाता है? दिल की सख्तियों की अलामत यही है कि दिल जब पत्थर से ज्यादा सख्त हो जाता है तो दुनियावी लज्जतों में, दुनियावी ख्वाहिशात में मजा लेने लगता है और अल्लाह की तरफ आना नहीं चाहता। अब इस दिल को नरम करने के लिए रमजान का बेहतरीन मौका, बेहतरीन मौका। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, दिल जब सख्त हो जाए तो उसे नरम करने के लिए क्या किया? कई इलाज हुज़ूर ने बयान, एक इलाज में आज बयान कर जाता हूं जिससे आप सबको भी खुशी हो। अगर हमारा दिल सख्त हुआ है तो खुशी हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान की तिलावत कसरत से करो, अल्लाह दिल नरम करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम किस हलके में बैठे हैं आज, कुरान की तिलावत का हलका है। ये दर्स हमारा कुरान का है। वो जो उन्हीं दिन से जो पाबंदी करेगा महीना खत्म होने से पहले मौला उसका दिल नरम होगा। और हमने महसूस किया जब हर पर कुरान की महफिल करीब आती है तो फिर रोने का भी दिल करता है, दिल भी मचलने लगता है, आंखों से आंसू भी आते हैं। क्यों? ये तिलावत से पत्थर जैसे दिल को हमने नरम कर दिया और अल्लाह तआला ने नरम किया। अल्लाह करीम हमारे दिलों की सख्ती को दूर करता है। करीम मौला हम सबको उसकी याद में रोने वाली आंखें अता फरमाए और उसकी याद में तड़पने वाला दिल अता फरमाए। दुनिया की औरत